नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक में, गुरु जी में। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज रेलवे ग्रुप डी के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पता होगा दोस्तों, इसका फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट जो आपको मिला हुआ है वो है 12 अप्रैल। जिन्होंने फ्रेंड्स अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है वो जल्दी जल्दी फॉर्म को दोस्तों अप्लाई कर दें। और दोस्तों इसके अलावा देखिए, आज मैं लेके आया हूँ एग्जैक्ट डाटा आज का दोस्तों, 31 मार्च के शाम के दोस्तों 5 बजे तक का, कि दोस्तों कितने फॉर्म आपके अप्लाई हो चुके हैं रेलवे ग्रुप डी में। इसके अलावा फ्रेंड्स, जितने भी आरआरसी आपके हैं, क्योंकि आपको पता होगा आपके पास रेलवे ग्रुप डी की लेवल 1 की भर्ती आई हुई है दोस्तों, यहां पर 1,00,000+ जो है पोस्ट आपको मिल रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में। तो फ्रेंड्स, ये लेवल 1 का पोस्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके बाद जो एग्जाम कनेक्ट करवा रही है वो करवा रही है दोस्तों आरआरसी। तो फ्रेंड्स, सभी आरआरसी यानी कि जो कि 16 आरआरसी है, सब मैं दोस्तों बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी के हिसाब से दोस्तों कितने फॉर्म आ चुके हैं, कितने दोस्तों आवेदन यहां पे हो चुके हैं, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये आंकड़ा आपका 55 लाख के आसपास दोस्तों पहुंच चुका है, 54-55 लाख दोस्तों यहां पे आवेदन हो चुके हैं ग्रुप डी की भर्ती के लिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं सभी आरआरसी में कितने, 16 आरआरसी आपको पता है दोस्तों, टोटल जो आरआरसी हैं वो हैं 16। तो फ्रेंड्स, सभी आरआरसी का दोस्तों एक एक करके देखते हैं कितने फॉर्म आपके अप्लाई हो चुके हैं यहाँ पे दोस्तों, कितने फॉर्म के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुके हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डाटा जो आपके सामने देखिए लेके आया हूँ सभी दोस्तों, सभी आरआरसी का। तो फ्रेंड्स, ये जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ दोस्तों आपका ये डाटा हमें मिल जाता है कि आपने अभी तक जो है कितने फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं सभी आरआरसी में। तो फ्रेंड्स, चलिए देखिए सभी आरआरसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो नंबर 1 पे देखिए आपका है नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली। दोस्तों, ये दिल्ली आपका इसका हेडक्वार्टर है, नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी दोस्तों मिल रही है वो है आपका देखिए 13,153 वैकेंसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं दिल्ली में, मतलब नॉर्दर्न रेलवे में, फ्रेंड्स ये है 6,98,985 दोस्तों, ये फॉर्म फिलअप है दोस्तों आपके। देखिए यहाँ पे 3 भाग मैंने डिवाइड कर रखा है, आरआरसी जोन और फिर इसके बाद दोस्तों फॉर्म फिलअप और फिर दोस्तों वैकेंसी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे दिल्ली की बात मैं कर चुका हूँ, अब देखिए दोस्तों अगला आपका आरआरसी कौन सी है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 4,27,915 फॉर्म दोस्तों आ चुके हैं और दोस्तों टोटल वैकेंसी मिल रही है वो है 10,873। नेक्स्ट जोन देखिए दोस्तों कौन सा है, ये आपका है वेस्टर्न रेलवे मुंबई। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके टोटल जो आवेदन आ चुके हैं वो है 3,46,258 और फ्रेंड्स यहाँ पे वैकेंसी है वो है 10,734। अब देखिए दोस्तों अगला जोन कौन सा है, ये आपका साउदर्न रेलवे है, साउदर्न रेलवे चेन्नई दोस्तों, चेन्नई बोर्ड का है। फ्रेंड्स, यहाँ पर चेन्नई में देखिए टोटल फॉर्म जो दोस्तों आए हुए हैं वो है 4,67,567 यानी 4,67,567 और दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी जो मिल रही है वो है 9,579। नेक्स्ट जोन देखिए दोस्तों कौन सा आरआरसी है, ये आपका सेंट्रल रेलवे है मुंबई। और दोस्तों इसके अलावा देखिए सेंट्रल रेलवे में आपका मुंबई की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंट्रल रेलवे मुंबई में आपका 3,93,765 दोस्तों यहाँ पे आपके फॉर्म आ चुके हैं और दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है 9,345। अब देखिए दोस्तों अगला जोन कौन सा है, ये आपका साउथ सेंट्रल रेलवे है सिकंदराबाद, जहाँ पे दोस्तों टोटल जो आवेदन हुए हैं वो हो चुके हैं 4,89,119 और दोस्तों यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो है 9,328। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम 16 आरआरसी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट दोस्तों कौन सा है, ये है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। अब दोस्तों अगर हुबली में देखिए तो यहाँ पे आपके 2,59,117 आवेदन हो चुके हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे 7,167 जो है आपकी वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, जो है आपका आवेदन मैं काउंट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपको केवल और केवल रजिस्ट्रेशन का होता है। रजिस्ट्रेशन दोस्तों करते ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, वहीं से दोस्तों ये संख्या निकल जाती है कि आपके कितने आवेदन अभी तक हो चुके हैं इस जोन में या इस आरआरसी में। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट कौन सा है, ये आपका नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे है जयपुर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं वो है 4,42,902 और फ्रेंड्स यहाँ पे 5,249 पोस्ट आपको मिल रहे हैं यानी 5,249 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका साउदर्न ईस्टर्न रेलवे, जो कि दोस्तों कोलकाता में आपका आता है, हेडक्वार्टर कोलकाता में दोस्तों इसका है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल जो आवेदन हो चुके हैं वो है 1,61,299 और फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी मिल रही है वो है 4,914। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आरआरसी कौन सी है, ये आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, जो कि इलाहाबाद में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। और फ्रेंड्स, इसमें टोटल जो आवेदन आ चुके हैं वो है 4,02,903 और फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 4,730 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुछ जोन ऐसे भी है जो कि बहुत सेफ माने जा रहे हैं अभी, जहाँ दोस्तों फॉर्म कम अप्लाई हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा कि कहाँ कौन से जोन में दोस्तों कितने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और कितनी वैकेंसी है, उसी के अकॉर्डिंग जिन्होंने दोस्तों अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है अप्लाई करिएगा। अगला देखिए दोस्तों जोन कौन सा है, ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे है जबलपुर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टोटल आवेदन आ चुके हैं वो है 2,62,919 और फ्रेंड्स यहाँ पे 4,019 टोटल वैकेंसी आपको मिल रही है जबलपुर में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका कौन सा आरआरसी है, तो फ्रेंड्स ये आपका है नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, जहाँ पे फ्रेंड्स टोटल जो आपके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं वो है 2,61,656 और फ्रेंड्स यहाँ पे 4,002 वैकेंसी टोटल आपको मिल रही है।
नेक्स्ट फ्रेंड देखिए आपका कौन सा आरआरसी है, ये आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि हाजीपुर में उसका हेडक्वार्टर है। और फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं वो है 2,03,136। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी है तो फ्रेंड्स ये है 3,562। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आरआरसी ये आपके सामने है, ये है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जिसको हम जानते हैं दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो टोटल फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं वो है 1,63,226 जो कि दोस्तों काफ़ी कम है। और टोटल वैकेंसी जो दोस्तों यहाँ पे मिल रही है गुवाहाटी में 2,894 है। और देखिए दोस्तों फिर आपका नेक्स्ट जो आपका आरआरसी है ये आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में। फ्रेंड्स यहाँ पे जो टोटल फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं वो है 1,56,298। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो टोटल आपके वैकेंसी है वो है 2,555। अब देखिए दोस्तों लास्ट आपका कौन सा आरआरसी आपका है, ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि दोस्तों बिलासपुर हेडक्वार्टर इसका है। और फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल जो आवेदन हो चुके हैं, टोटल फॉर्म जो फिलअप हो चुके हैं वो हैं 1,39,557। और टोटल वैकेंसी अगर दोस्तों आप देख सकते हैं तो ये आपका आपके सामने 1,664 वैकेंसी मिल रही है आपको। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से जोन है जहाँ पे भी फॉर्म दोस्तों कम अप्लाई हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि आपको पता होगा ये दोस्तों आपका इलाहाबाद में दोस्तों भी 400,000 दोस्तों आवेदन हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका ये जो जबलपुर है, गोरखपुर है, फ्रेंड्स हाजीपुरा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आवेदन दोस्तों कम हुए हैं, 200,000 के आसपास हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स चेन्नई है जहाँ पे दोस्तों काफ़ी वैकेंसी है, चेन्नई है, मुंबई है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए भी काफ़ी दोस्तों वैकेंसी है लेकिन दोस्तों फॉर्म अप्लाई अभी कम हो पाए हैं। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है 12 अप्रैल आपको लास्ट डेट मिली है फॉर्म को अप्लाई करने का, उससे पहले दोस्तों मेनी कैंडिडेट्स यानी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। अभी जो दोस्तों सो रहे हैं, अभी जग नहीं रहे हैं, फॉर्म को अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों जल्दी से उठिए और फॉर्म को दोस्तों अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर दोस्तों बाद में अप्लाई करेंगे आप तो हो सकता है आपको दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत हो जाए और दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम सर्वर प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, दोस्तों इसलिए पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। और दोस्तों उसमें डेंजर जोन देखिए इसमें कौन से चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिल्ली की बात करता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी है और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई करने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी दोस्तों आवेदन आ भी चुके हैं, लगभग 7,00,000 के दोस्तों आसपास यहाँ पे देखिए आवेदन आ चुके हैं दिल्ली में आपका, जो कि नॉर्दर्न रेलवे में आता है फ्रेंड्स, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा देखिए चेन्नई में दोस्तों भी आवेदन आपके कम ही हुए हैं, जिस प्रकार से वैकेंसी फ्रेंड्स आपकी है 9,579 वैकेंसी है लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अभी 4,67,567 फॉर्म ही अप्लाई हो पाए हैं। और दोस्तों कोलकाता में भी देखिए यहाँ पे 10,000 वैकेंसी है, 10,873 वैकेंसी है और दोस्तों यहाँ टोटल जो फॉर्म आ चुके हैं वो है 4,27,915। तो फ्रेंड्स ये पूरी जानकारी थी अभी आज अभी दोस्तों शाम तक की कि कितने फॉर्म दोस्तों आ चुके हैं, जो कि दोस्तों आपको पता होगा आज 31 मार्च है फ्रेंड्स। और दोस्तों आज ये आपका शाम के 5 बजे तक का डाटा है। इसके बाद दोस्तों नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों नए नए अपडेट्स हमेशा नए नए जॉब्स की वैकेंसी दोस्तों जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।